Anantodeb Barma is a vice president of IPFT. उन्होंने resignation दिया है IPFT से. तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है वो उनको फोन करके बोल रहे हैं आप आईपीएफटी मत छोड़िए. ही इज द बीजेपी प्रेसिडेंट एज वेल. तो क्या प्यार है आपको आईपीएफटी के वाइस प्रेसिडेंट अगर रिजाइन कर रहे हैं तो बीजेपी के प्रेसिडेंट जो मुख्यमंत्री भी हैं उनको फोन करके क्यों बोल रहे हैं आप आईपीएफटी मत छोड़ो. ये लुका छिपी का गेम क्या है? अगर आपका सीक्रेट अलायंस है वो तो सब जानते हैं, लेकिन बीजेपी का प्रेसिडेंट फोन करके आईपीएफटी के वाइस प्रेसिडेंट को बोले कि आप आईपीएफटी मत छोड़िए, इसका मतलब आप लोग मीडिया लोग हैं, आप लोग भी समझ लीजिए सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग क्या है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना चाहिए. क्या बोलो? इन्होंने देखो, मैं ऐसा पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ. आनंद बाबू है यहाँ में, आईपीएफटी लोग के बहुत लोग हैं, ठीक है. इनका एक आइडियोलॉजी है, इनका एक पॉलिटिक्स रहा है पहले से, आंचलिक पॉलिटिक्स रहा है. आज प्रद्योत है प्रेसिडेंट, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बोलूँगा कि आप अपना आइडियोलॉजी को छोड़ दो, अपने सपोर्टर्स को धोखा दो और मेरे संग आ जाओ. आनंद बाबू उनके पूरा टीम कांग्रेस को समर्थन करेगा, जैसे कि विजय रंखोल समर्थन कर रहा है, जैसे कि अनिमेश देवर्मा कर रहा है, आघोर देवर्मा तिप्रहा कर रहा है. मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बड़ा करने के लिए, अपना आप को राहुल गांधी के सामने बड़ा करने के लिए मैं अपने त्रिपुरा के वासी को झूठ बोलकर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता. इनका समर्थन हो रहा है, आई एम वेरी हैप्पी. और समर्थन इज नॉट अनकंडीशनल, इट इज कंडीशनल दैट डायरेक्ट फंडिंग टू TTADC कॉकबरक इन रोमन स्क्रिप्ट, स्क्रैपिंग ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एंड फॉरेस्ट बिल जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया उसका विरोध करेंगे. सो दिस इज वेरी क्लियर.